अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हालचाल है आपके? इस वीडियो में जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है स्नैक, टी टाइम स्नैक। फटाफट और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। चाय के साथ आप बहुत इन्जॉय करेंगे इसको। ये है पोटैटो एंड सेमोलिना रिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले जो है मैंने सूजी ली है, वो 1 कप सूजी ली है। उसको मैंने ग्राइंडर के अंदर, ये छोटी सी मिक्सी आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह से पीस लें। आटे की तरह बारीक पीस जाएगी ये, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा इसका। अब इसके बाद मैंने गार्लिक लिया है, इसको मैंने पीस लिया है मशीन के अंदर, और बस इसको क्रश कर लें। 2 टू 3 क्लोव्स जो हैं गार्लिक के लिए। इसके बाद मैंने ये बॉइल्ड पोटैटोज लिए हैं, ऑलरेडी बॉयल्ड थे, इसके अंदर नमक और लाल मिर्चें ऑलरेडी डली हुई हैं, तो आप बाद में भी डाल सकते हैं इसके अंदर, इस स्टेज पे जो मैं अब करने लगी हूँ, और आप उस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। तो मक्खन 2 टेबलस्पून डाल के उसको मेल्ट करें, एंड देन उसके अंदर लहसुन डालें, और ये बटन रेड चिलीज़ हैं, इनको मैंने कूट लिया था। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और फिर इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे वाटर, और वाटर का जब बॉयल आ जाएगा देन हम इसमें ऐड करेंगे सूजी जो हमने पीस के रखी थी। सॉल्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने पोटैटोज़ में पहले भी सॉल्ट ऐड किया हुआ था, और इसमें मैंने उस हिसाब से थोड़ा ऐड किया। और उसके बाद ये जो हमने सूजी पीसी थी इसको मैंने ऐड कर दिया है। फ्लेम आप अपनी स्लो रखिएगा इस यहाँ पर, इसको तकरीबन 2-4 मिनट्स आप इसको कुक करेंगे। हाफ कुक हम इस टाइम पर करेंगे, और बाद में फिर ये फ्राई होगा, तो बाकी का कुक ये वहाँ पर होगा। अब इसमें पोटैटोज़ ऐड कर दिए जो बॉयल्ड हैं, और इसके अंदर मैंने जस्ट लाल मिर्चें ऐड की हुई थी, नमक और लाल मिर्चें, और इस मिक्सचर को अच्छे तरह से हम मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए, और उसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इसके अंदर मैंने बॉयल्ड पीस डाले हैं, ये मटर हैं, पीस लिया था मैंने इनको, ये बॉयल्ड मटर हैं और बस इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे जो भी स्पाइसेस आप ऐड करना चाहते हैं वो, और उसके बाद कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून्स मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, आप आटा भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और फिर इसके बाद जो है हम इसको रोल करेंगे। इसको हमने शेप देनी है, सबसे पहले जो है हम इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद आप कोई भी कुकी कटर्स ले लें, राउंड कुकी कटर्स 2 लेने हैं, एक बड़ा साइज़ का और एक थोड़े से छोटे साइज़ का। तो मैंने पहले कुकी कटर से कट किए थे, तो वो दोनों जो हैं शेप्स छोटी थी, इसीलिए ये कुकी कटर थोड़ा छोटा है, तो ये दोनों शेप छोटी बनी है। इसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का ढक्कन ले लिया। आप ग्लास भी ले सकते हैं, ग्लास से भी इसकी शेप बन सकती है। तो बड़े साइज़ का ढक्कन से इसको बाहर से कट किया, और छोटे कुकी कटर से मैंने इसको अंदर से कट किया। तो ये शेप हमारी रेडी हो गई है रिंग्स की, पोटैटो रिंग्स की। और बस आप इसको जो है फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लें, इतना कि वो बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो, और उसके अंदर जो है ये आप शेप्स डालती जाएं ताकि वो शेप अंदर जाके ख़राब ना हो। अगर ठंडा ऑयल होगा तो शेप ख़राब हो जाएगी। और इसको आपने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, इसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा। वैसे तो आलू भी पके हुए हैं, और सूजी को भी थोड़ा सा हमने कुक कर लिया था, और बारीक है तो वो वैसे ही कुक हो जाती है। तो बस ये हमारे पोटैटो रिंग्स जो हैं वो रेडी हो गए। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ आपने उस स्टेज पे करना है जब हम इसको बेलते हैं। शेप बनाने से पहले आप इसको आप बस फ्रीज़ कर दें, जब आपने इसको यूज़ करना है निकालें, उसको थो करें, एंड देन उसकी शेप्स कट कर लें और उसको फ्राई कर लें। तो होप्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।